मुजफ्फरपुर के DRI की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी वाहन से तकरीबन 40 करोड़ रुपए के कोकीन को बरामद किया है। साथ ही एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है जो महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला है। नव आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला जो है मुजफ्फरपुर दरभंगा 4 लेन पर स्थित मैथी टोल प्लाजा के समीप का है, जहां की DRI की टीम को 2 दिन पूर्व भी गुप्त सूचना मिल गई थी कि एक लग्जरी वाहन में कोकीन की बड़ी खेप यहां से होकर गुजरने वाली है, जिसके बाद DRI की एक विशेष टीम बनाई गई थी जो टीम लगातार 2 दिनों से इस लग्जरी वाहन की तलाश कर रही थी, जिसके बाद अब DRI की टीम ने कार्रवाई करते हुए उक्त लग्जरी वाहन को जब्त किया है, जिसमें से तकरीबन 4 किलो 200 ग्राम के आसपास कोकीन बरामद किया है, जिसका अनुमानित मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। आपको बता दें कि यह कोकीन की बड़ी खेप जो है वह थाईलैंड से पश्चिम बंगाल पहुंचा था, फिर वहां से एक लग्जरी वाहन में लोड करके मुजफ्फरपुर के रास्ते इसे दिल्ली ले जाई जा रही थी। इसी बीच मुजफ्फरपुर के DRI की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि लग्जरी वाहन में कोकीन की बड़ी खेप जो है वह मुजफ्फरपुर होते हुए दिल्ली के लिए जा रही है, जिसके बाद DRI की टीम ने DRI की जो विशेष टीम थी वह घेराबंदी कर रखी थी और अनंततः अब उस लग्जरी वाहन को जब्त किया गया है। जब मैठी टोल प्लाजा के पास से जब्त किया गया है और जब उसकी जांच की गई तो उसमें से एक ट्रॉली बैग में रखे 4 पैकेट में जो कोकीन था वो 4 किलो 200 ग्राम के आसपास जो कोकीन की मात्रा थी उसे जब्त किया है। साथ ही महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला शाहीन शेख नामक तस्कर को भी DRI की टीम ने गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वही गिरफ्तार तस्कर ने कुछ और तस्करों के नाम बताए हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए DRI की टीम ने विशेष टीम बनाई गई है जो गिरफ्तारी तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो वही आपको बता दें कि DRI की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर दरभंगा 4 लेन पर स्थित मैथी टोल प्लाजा के समीप से कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी वाहन से 40 करोड़ रुपए की कोकीन को बरामद किया है। आपको बता दें कि इससे पूर्व में भी DRI की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मैथी टोल प्लाजा के समीप से ही कंटेनर ट्रक से विदेशी सिगरेट की खेप को जब्त किया था, जिसका करोड़ों में मूल्य आंका गया था। उसके बाद एक बार फिर जिले के मनियारी के में स्थित काजिंदा टोल टैक्स के समीप से कार्रवाई करते हुए भी हाल ही में DRI की टीम ने विदेशी सिगरेट को जब्त किया था, उसका भी मूल्य करोड़ों में आंका गया था। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं नशा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर की DRI की टीम दिख रही है। और इस बार जो DRI की टीम की कार्रवाई है वह बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि तकरीबन 40 करोड़ रुपए मूल्य के कोकीन को एक लग्जरी वाहन से जब्त किया है। हालांकि मौके से तस्कर की गिरफ्तारी हो गई है, यह सबसे बड़ी बात है, जिससे पूछताछ के आधार पर बाकी कारोबारियों को भी चिन्हित किया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए DRI की टीम ने विशेष टीम बनाई है जो तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।